गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका कंसेप्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं अभ्यास 4। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बोर्ड में क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है कि अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पलों के माप एकत्रित कीजिए, उन्हें निम्न तालिका में भरकर एक बारंबार का बंकन सारणी बनाइए। ठीक है, यह क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पलों का माप एकत्रित कीजिए और उन्हें निम्न तालिका में भरकर एक बारंबार का बंटन सारणी बनाइए। जो के सामने हम बनाए बारंबार का बंटन सारणी, ध्यान दीजिए लिखा गया जूतों की माप, मिलान चीन और बारंबार का। ठीक है, जूतों की माप आपको दी गई है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, इसका लिखना पहले मिलान चीन, फिर इसका लिखना बारंबार का। क्लियर, तो चलिए मिलते हैं इसका मिलान चीन। ध्यान दीजिए मिलान चीन कैसे लिखा जाता है, जैसे कितना है 5 नंबर है। ठीक है, 5 नंबर है, क्या है 5 नंबर है, लिखना है मिलान चीन में। लिखते हैं 1, 2, 3, 4 और ये पांचवा अंक होगा इसको क्रस करेगा इस शीर्ष से इस शीर्ष से तरफ, यानी यहां से 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, इसके बाद मिलान चीन या टैली विधि का अंतर्गत आता है। चलिए फिर जो सही इसका मिलान चीन ध्यान दीजिए क्या होगा इसका जी, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इसका क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्या होगा 6 अलग होगा। ठीक है, इसमें क्या है 7 है, इसको लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसमें क्या है 8 है, इसको लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर, ये क्या रहा था, ये क्या रहा था मिलान चीन। इसे ध्यान दीजिए 1, 2, 3, 4 और 5 इस प्रकार है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अलग रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही संख्या है ना, 5 संख्या इसको निकालता है इस संदर्भ में। इसी पर लिखा गया 7 नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लिखा गया 8 नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये पर क्या है, इतना मिलान चिन्ह रहा और लिखेंगे इसका बारंबार। ठीक है, तो बारंबारता का अर्थ क्या है कि 5 कितना बार आया जी, 5 आया है एक बार, 5 की बारंबारता क्या होगा 5 ही होगा, 6 का बारंबारता 6 होगा, 7 का 7 होगा, 8 का 8। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका 2 नंबर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। 3 लिखा गया है कि ककड़िया गांव के, क्या लिखा गया जी, ककड़िया गांव के 27 मकानों के एक माह का बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है। ठीक है, क्या है जी, ककड़िया गांव के 27 मकानों के एक माह का बिजली बिल की विवरण दी गई है। ठीक है, जो निम्नलिखित है 324 के ऐसे रुपया है। ठीक है, 324, 700, 517, 400, 356, 567, 568, 570, 580, 570, 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
736 इत्यादि और संख्याएं है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए ऐसे प्रश्न को हल करने के सबसे पहले इस जो विवरण दी गई है इसको सबसे पहले या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इसको पहले व्यवस्थित करते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसी को देखिए यहाँ लिखे हैं कि आरोही क्रम में लिखा, ठीक है, लिखा कि आरोही क्रम में सजाने पर, ठीक है, जो भी दिया गया विवरण का रूप में इसको सबसे पहले हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम किसी में पहले सजाएंगे फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम आरोही क्रम में सजाएं, ध्यान दीजिए लिखा है कि आरोही क्रम में सजाने पर क्या है जी, तीन सब आप ध्यान दीजिए कि आरोही क्रम का क्या होता है, आरोही क्रम का होता है बढ़ते क्रम, यानी कम से अधिक की ओर पहले जाने की सतह आरोही, और अवरोही क्रम क्या होता है बढ़ते क्रम। तो यहाँ क्या लिखे हैं हम लिखे हैं आरोही, यानी लिखे हैं बढ़ते क्रम में सजाएं, ठीक है, 312, 324, 356, 365, 373, 400, 422, 435, ठीक है, 506, 548, 565, 570, 570 दोबारा, 580, 584, 596, 617, 630, 673, 685, और क्या जी 700, 736, 745, 754, 736, 777 और 780, ठीक है, ये क्या है, ये सभी संख्या बढ़ते क्रम में ली गई है। और ध्यान दे क्वेश्चन में भी पूछा है, ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या था और लिखा है कि वर्ग अंतराल 300, 400 आदि लेकर एक बार माता सामने बनाना, ठीक है, यानी वर्ग अंतराल का आधार दे दिया है, ये आपको 300 और 400 है वर्ग अंतराल। और ध्यान दीजिए यहाँ लिखा गया है वर्ग अंतराल, फिर लिखा गया है मिलानशील और लिखा गया है वर्ग माता, ठीक है, और पहले आपको लिखना है क्या वर्ग अंतराल, और ध्यान दीजिए इसको हाथ पर दे दिया है कहाँ से आपको स्टार्टिंग करना है, तो क्या है 300 से 400, अब यहाँ 300 से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि देखिए जो संख्या है तो 300+ से स्टार्ट हो रहा है, क्या है 300+ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और अंतिम में क्या है कि 780 है, यानी जो भी संख्या होगा 300, 400, 500, 600, 700, 800 के बीच की सारी संख्याएं उपस्थित है, ठीक है। तो इस संख्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे 300 से 400, फिर लिखेंगे 400 से 500, फिर लिखेंगे 500 से 600, फिर लिखेंगे 600 से 700 और लिखेंगे 700 से 800, ठीक है। 300 क्या है सबसे छोटी, यानी यही से स्टार्टिंग हो रहा है, 300 बड़ा क्या है 300 इसके निकटतम मान है, और अंतिम मान कितना है 780 यानी 800 समाप्त हो जाए, यानी से कहने का अर्थ क्या है जो भी संख्या लिखी गई है वो 300 या 800 के बीच ही सीमित है, ठीक है। जो भी आपका विवरण दिया गया है बिजली का बिल रुपये में, तो क्या है जी वो 300 रुपया या 800 रुपया के बीच का ही सभी बिजली बिल है, इसीलिए अगर अंतराल 300 से स्टार्ट किया गया, क्योंकि ऐसा भी और क्या है 300 रुपये सबका बिजली बिल स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका वर्ग अंतराल का आधार दिया गया है 300, 400 के अंतर में। अब लिखना हमको मिलानशील, तो मिलानशील का कैसे लिखते हैं, पहले हमको मालूम होना चाहिए बारंबारता, इस बारे में लिखते हैं मिलानशील, ठीक है, मिलानशील लिखने के पहले हमको बारंबारता मालूम होना चाहिए, उसके बाद ये लिख सकते हैं मिलानशील। तो सबसे पहले हम इसके सहायता से निकालेंगे बारंबारता, और बारंबारता क्या होता है जी देखेंगे संख्या 300 या 400 के बीच कितनी संख्याएं क्या आई हुई है, ठीक है, यानी संख्या 300 और 400 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो इस विवरण में दी गई है। तो देखेंगे 300 और 400 के बीच देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है जी 6 संख्या, क्या लेना हमको, लेना है कितने से 300 से 400 के बीच,
क्या है 312, 324, 356, 365, 378 और 400, ये क्या है 422 यानी कितना क्या है अधिक है, यानी कहा लेना है बोलेगा 400 तक। और यहाँ काउंट की कितनी संख्या है वही है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्यों रहे जी 6, क्या जो मानता होगा 6 क्लियर, यानी 300 और 400 के बीच कितनी संख्या है जी, तो 6 संख्या है। अब देखेंगे 400 और 500 के बीच कितनी संख्या है, अब आगे देखिए आगे बढ़िए ध्यान दीजिए देखेंगे 400 से 500 के बीच, तो 400 ले लिया क्या बचेगा जी 1, यानी 422, 435 क्या है 506, कितनी है जी केवल दो संख्या है कौन कौन सी 422 और 435 जो क्या है 400 और 500 के बीच है, कितनी संख्या है जी तो मात्र दो संख्या है। अब लोग दिख रहा है भरी भांति क्या है जी 422 और 435 है, इसके बाद यहाँ क्या मिला, इसका मिला 506 क्या है 500 से अधिक है, जबकि 400 और 500 के बीच की संख्या को ही हमें काउंट करना है, कितना है 2 है, कौन सा संख्या है 422 और 435। अब देखेंगे कि 500 और 600 के बीच कितनी संख्या है, ध्यान दीजिए कितना ये 500 और 600 के बीच, ध्यान दीजिए यहाँ से 506, 547, 565, 570, 570, 580, 584, 596, 6, ठीक है, यानी ऐसे सीमित है 500 संख्या, तो इसे गिने कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, ठीक है, कितना है 584 और ये 8, कितना है 596, कितना है 8 हो रहा है, ठीक है, जो क्या है 500 और 600 के बीच है, यहाँ से 617 रहा है, क्या 600 से ज्यादा है, यानी 600 के भीतर इनको करना है, कितनी संख्या आएगा जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 क्या आएगा जी 8, ठीक है। अब देखेंगे कि 600 या 700 के बीच संख्या है, अब बढ़ेंगे कितना जी 600 से देखेंगे अधिक और 700 से कम, यानी 1, 4, 17, 630, 674, 685 और क्या है 7, यानी क्या जी 607 के बीच कितनी संख्या है 617, 630, 674 है 685, कितनी है 1, 2, 3, 4 कितनी संख्या है जी 4। आप देखिए क्या बच गया जी, अब बच गया आपका 700 एवं 800 के बीच, यहाँ देखिए कि 700 से अधिक और 800 से कम कितनी संख्या है, अब यहाँ देखेंगे 700, 736, 745, 754, 763, 776, 780 सभी क्या है 700 से अधिक है और 800 से कम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी संख्या है जी 7, ठीक है। और इसमें इसका ये होगा जी 6, 2, 8, 8, 8, 16, 16, 4, 20, 27, 27 27 क्या है जी 27 मकान है, क्या क्या था कितनी मकान है 27, ये कुल क्या है मकानों की संख्या था बारंबारता। अब लिखेंगे विलांची, अब लिखेंगे विलांची क्या है जी 6 है, तो इसी प्रकार लिखे विलांची जैसे ये लिखे थे अभी, इसी प्रकार इसमें लिखना है यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है, फिर 2 है इसको लिखिए 1, 2 इसमें क्या है 8 है इसको लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है, इसमें क्या है 4 है 4 लिखिए 1, 2, 3, 4 इसमें क्या है 7 है 7 लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, ये प्रकार आज यह कह गया विलांची, तो सबसे पहले हम लोग भक्त अंतराल लिखे, उसके बाद से परमवार्ता ज्ञात किए और उसके बाद से हम निकाले विलांची, ठीक है,
इस तरह का प्रश्न में जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिले तो सबसे पहले उसको या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में पहले उसको सजाइए और फिर उसका वर्ग अंतर निकालिए, उसके बाद बारहमासा निकालिए, उसके बाद आपको मिलेगा विराम चिन्ह। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसमें पढ़ लिए अच्छे तरह से, इसको फिर से गौर समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है 300 400 से आदि लेना आपको बराबर का स्थान है। ठीक है, आपका राग दिया है 300 से 400 और 300 से आगे तो 300 का संख्या अच्छा बना है और क्या है 800 है ना, 780 है, इसलिए आपको बरम का जो लेना है 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800। यदि संख्या है 300 और 800 20 ही है और वो कितनी संख्या है जी, तो 27 संख्या है और संख्या दिया लाइन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम पढ़ लिए, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।